हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज हम आपको बताएंगे अपठित गद्यांश। देखिए, इस नाम से आप परिचित हैं, गद्यांश के नाम से आप परिचित हैं। ये हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका ही एक पार्ट है। हिंदी के अंदर दो प्रकार होते हैं, एक जिसको हम पद्यांश कहते हैं, जिसको हम कविताएं जो होती है वो पद्यांश के अंतर्गत आती है, और जो हमारे लेसन होते हैं जिसको लिखने के लिए लेख जो होते हैं या जो हम पाठ भी कह देते हैं उनको हम जो है गद्यांश, उनके पैराग्राफ को गद्यांश कहते हैं। यहां पर एक नाम भी दिया हुआ है अपठित। अपठित का मीनिंग है कि ये आपका पढ़ा हुआ नहीं है, यानी कि आपकी बुक में से ये नहीं आएगा, ये आपके कहीं पर भी जो आज की जो ज्वलंत उदाहरण है या कोई भी चार पांच लाइन आपको दे दी, उनमें से एक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और वो क्वेश्चन का आंसर उसी पैराग्राफ जो दिया हुआ है, ये जो पैराग्राफ है इसी में ही उसका आंसर होगा, उसमें से आपने उन क्वेश्चनों के आंसर को बताना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो इस लेसन जो गद्यांश है इसका सार आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सार आएगा। फिर उसके बाद इसका शीर्षक आएगा। देखिए, शीर्षक ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपने। कभी शीर्षक आप चार पांच लाइन का लिख दें वो गलत है। शीर्षक एक अक्षर, दो, एक शब्द या दो शब्द या वाक्य, इस प्रकार का एक दो वाक्य या एक लाइन, यानी कि 10 मैक्सिमम 10 वाक्य इसके अंदर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। अब देखिए, यहां अगर इसको हम देखें तो यहां सारा जो है नारी के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसका शीर्षक क्या हो गया, नारी का महत्व। नारी का महत्व, देखिए हमारी संस्कृति में नारी की बड़ी महत्ता रही है, हमारी संस्कृति मातृसत्ता की रही है, और यहाँ ज्ञान और विवेक की तो अधिष्ठात्री है, उसको सरस्वती की पूजा की जाती है, और शक्ति के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और ऐश्वर्य के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और इन तीनों को रूपों में रखकर भारतीय मनुष्यों ने इस पूरी जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसको एक बंधन में बांध रखा है, ये इसके अंदर बंधन है। अब हमारे पास इसका तो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो क्या हुआ, प्रश्न है प्रस्तुत अवतरण का सार लिखिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या है कि इसमें नारी की महत्ता का वर्णन किया गया, तो हम यहां पर लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय भारतीय संस्कृति में नारी का महत्व है, ये इसके अंदर दिया, पहला भी ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, ज्ञान की देवी सरस्वती, तो यहां इसमें लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो है यहां पर लिखेंगे कि यहां सरस्वती को सरस सरस्वती को ज्ञान दुर्गा को शक्ति और लक्ष्मी को ऐश्वर्य की देवी माना है, ये
ये इसके अंदर हो गया। उसके बाद तीनों को एक भारतीय विद्वानों ने तीनों को संगठित किया। ये इसके अंदर इसमें जो पहरा दिया हुआ है उसमें आप थोड़ा सा आप अपनी तरफ से विवेक से उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं ताकि जो एग्जामिनर है वो आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड या आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको चेक कर सके। अगर आप एज इट इज भी लिख देंगे गलत नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपने वर्डों से उसको थोड़ा चेंज कर देंगे लेकिन मीनिंग वही होना चाहिए तो उसमें एग्जामिनर के ऊपर स्पेशल इंप्रेस पड़ता है। तो ये जरूर ध्यान देना है। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है प्रस्तुत अवतरण का उचित शीर्षक बताइए। ये प्रश्न नेक्स्ट हो गया, इसका उत्तर क्या हो गया, नारी की नारी का महत्व इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और प्रश्न तीन ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा हो गया, इसके अंदर बताया भारतीय संस्कृति में नारी की क्या स्थिति रही है। भारतीय संस्कृति में नारी की क्या स्थिति रही है, इसका उत्तर होगा इसमें वही है कि नारी को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा गया है। भारतीय संस्कृति में नारी को आदर से देखा देखा गया है। उसमें ये इसके अंदर बताया गया। आगे है भारतीय चिंतकों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय चिंतकों ने नारी को किन किन रूपों में देखा। तो इसमें आपको बताइए कि यहां भारतीय चिंतकों ने नारी को सरस्वती दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में देखा है। तो इस प्रकार से आपने जो है इसके आंसर जो है उन्हीं
हृदय को पढ़कर अच्छी तरह से समझकर आपने इनके आंसर को देना है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।